बताए कि क्रिया योग आखिर क्या है और क्यों आजकल के यंगस्टर्स क्रिया योग से जुड़ रहे हैं इसलिए कि क्रिया योग जो करना चाहता है पहले वो प्रैक्टिकल आदमी होना चाहिए अच्छा तो समझता है कि कोई एक्सपेरिमेंट करके हम उसका रिजल्ट अगर हाँ हो तब उसको विश्वास करेंगे ऐसा होना चाहिए आजकल यंगस्टर्स बहुत ऐसे ही हैं तीसरी चीज़ क्या है दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें कास्ट क्रीड रिलीजन कुछ नहीं देखना यम नियम तो फॉलो करना है मैं वेजिटेरियन हूँ यम नियम मतलब आहार शरीर के लिए दूसरे जानवर को तकलीफ नहीं दे विदाउट हर्टिंग अदर्स हम भोजन मिल सकता है तो फिर क्यों करना है बस एक ही चिंता है दूसरा योग जो कर रहा है उसको वेजिटेरियन फूड अच्छा है शरीर के लिए क्रियायोग खास करेंगे तो गर्मी बहुत होती है बॉडी में तो उसके लिए नॉन वेज मना है अल्कोहल okay. मना है ड्रग्स मना है क्रिया जैसा ड्रग आपको तो कहीं नहीं मिलेगा हीरोइन में भी नहीं, नहीं मिलेगा <laughs> तो इसलिए अच्छा तो क्रिया योग क्या है क्रिया का मतलब है संस्कृत में मेथड टेक्निक क्रिया क्रिया अब हम लोग जब क्रिया कहते हैं मैं जब कहता हूं ये ऐसा टेक्निक है योग में जो श्री गुरु बाबा जी के परंपरा से हमें मिला है okay. ज्ञानी भी कर सकता है भगत भी कर सकता है योगी भी कर सकता है कर्म योगी भी कर सकता है कॉमन फैक्टर है एक्चुअली क्या करते हैं हम हमारा ये अनुभव है विश्वास है और अनुभव भी है कि शरीर में

बीच में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है स्पाइन के अंदर जिसको हम ब्रह्मदंड कहते हैं योग में वो है अच्छा। हर एक्टिविटी के लिए संसार में प्राण इडा या पिंगला में जाने से ठीक है चलेगा सब होगा मगर अगर, अगर आध्यात्मिक यात्रा पे आपको शुरू करना है और आगे बढ़ना है तो प्राण को इडा और पिंगला से मूलाधार में ले आकर अब सुषुम्न नाड़ी से ऊपर लेके जाना है इसको ले जाने का जो टेक्निक है okay. वो हाँ वो प्राण से और प्राणायाम से लिंक्ड है okay. श्वास अच्छा। से लिंक्ड है तो वो जो टेक्निक है उसको हम क्रिया कहते हैं तो क्या होता है कि अपना अवेयरनेस भी जो बोध है ना जो फीलिंग है वो भी पृथ्वी से लेकर आपस से लेकर अग्नि से लेकर वायु से लेकर आकाश से लेकर आकर सहस्रार में जिसको हम शिवम कहते हैं वहाँ पहुँच जाते तो वहाँ पहुँच जाता है तो ये समझ में आता है कि हमारा आत्मा जो है वो पहले परमानंद है भाई सेल्फ को कोई बाहर की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है सेल्फ इंडिपेंडेंट है और वो परमात्मा का एक अंश है ये ये समझ में आ जाता है हम कहते हैं कि हाँ समाधि में पहुंच गया ये क्रिया योग है इससे ज्यादा तो मैं ऐसे पब्लिक इसमें नहीं बोल सकता उपर, अच्छा कुछ हाँ, इसमें पर्सनल है लोग दीक्षा लेते हैं तब तभी एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जैक्ट टेक्निक क्या है मैंने जो कहा ये इसका एक आउटलाइन है आउटलाइन है दीक्षा लेने के बाद आपको फिर पूरी हाँ, प्रोसीजर पता चलती है